ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप ऑपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, ऑपोजिशन का रोल अदा करें, या आके ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। दोस्तों की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद, बोले हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप पीछे हट गए। ये नहीं हो सकता वोट की इज्जत की बात हो और सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट की बात करें। ये मुफाहमत है ना मुजाहमत, ये मुनाफ़त है। अपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें कि हुकूमत के साथ हैं। नाअहल हुकूमत को भगाना है, वोट पर डाका डालने वालों से हिसाब लेंगे। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, 90 रोज में करप्शन खत्म हुई, ना 50 लाख घर बने, 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली। रहीम या खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले इमरान खान ने महंगाई में आवाम को लावारिस छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में हुकूमत बनाएगी, विफाक के साथ पंजाब में भी जयालों की हुकूमत होगी, हम बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। पीडीएम की बुनियाद रखने वाले बिलावल भुट्टो हैं। इन मुश्किल हालात में कोई मुल्क चला नहीं सकता, अगर कोई मुल्क चला सकता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो मजदूर, किसान, सरकारी मुलाजमीन, खातीन और तमाम मकातिब पे फिक्र का मंशूर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब, बोले हम असेंबली के अंदर और बाहर लोगों की जंग जीतते रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जनूबी पंजाब का दौरा कामयाब रहा, मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। लोग समझ चुके हैं कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी क्या है। साबिक गवर्नर पंजाब और सदर जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद का खिताब, बोले जनूबी पंजाब का वसेब समझ चुका है, यहाँ की महरूमियों को पीपल्स पार्टी दूर कर सकती है। पीपल्स पार्टी का रहीम यार खान में सियासी ताकत का मुजाहरा, बिलावल भुट्टो जरदारी की वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत पर जयाले पुरजोश। सेनेट अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सदर जनूबी पंजाब पीपी मखदूम सैयद अहमद महमूद, एमएनएस मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, मखदूम सैयद मुस्तफा महमूद और सैयद अली महमूद समेत दीगर की शिरकत। पीपल्स पार्टी ने खानेवाल और बहावलपुर से अहम विकटें अपने नाम कर ली। बिलावल भुट्टो से रहीम यार खान में मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की पीपी में शमूलियत। लीगी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेखजिल शाद अहमद, लीगी रहनुमा सैयद असद अब्बास और हाफिज हुसैन अहमद मदनी भी पीपी में शामिल। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं को पार्टी मफलर पहनाकर पीपल्स पार्टी में खुश आमदेद कहा। बत्ती कम, मीटर चालू, बिल ज्यादा, महीना 30-31 का बिल सेंसिस दिन का। मेप्रो का सार्फीन की जेबों पर करोड़ों का डाका, बिजली की तकसीम कार कंपनी नेप्रा कवानीन पर अमल दरामद करना भूल गई। जनूबी पंजाब भर के सार्फीन को 31 की बजाय 37 रोज के बिल भेज दिए। सार्फीन मीटर कटने के डर से जायद अदालतियां करने पर मजबूर। मेप्रो की रिकवरी शरह 105% तक पहुँच गई। मेप्रो सार्फीन का जायद बिलिंग पर नेप्रा से कार्रवाई का मुतालबा। का कैलेंडर खराब हो गया, 30 दिन की बजाय 37 दिन की रीडिंग भेजी गई है और आलम यह है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, जो सबसे अफसोस की बात है। पीटीआई का सपोर्टर हैं, वोटर हैं उनके, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं देंगे इसी चीज़ पर। वापडा के मुलाजमीन हैं, टोटल ब्लैक मिलर है, उनका कोई इत्तेसाब करने वाला नहीं है। इस बार बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, रूटीन से भी बहुत ज़्यादा, पहले गर्मियों में भी इतने नहीं आते थे, इस बार तो डबल बिल आए हैं और रेट भी बहुत आई हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। रंगपुर में मेप्रो इंतजामिया की गफलत या लापरवाही, बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। बिजली के एक ही खंभे पर लातादात मीटर नस्ब, घर की दीवारें और दरवाजों पर हाई वोल्टेज तारों के बेहंगम जाल, शहरी परेशान, खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चीफ मेप्रो ने नोटिस का मुतालबा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। अलीपुर में सस्ता आटा नायाब, यूटिलिटी स्टोर पर 15 रोज बाद भी आटा ना पहुंच सका। खानेवाल में भी आटे का बहरान, लंबी कतारें लग गईं। कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, गर्मी में बेहाल आवाम लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर। हर चीज महंगी हो गई, आटा मिल नहीं रहा, क्या करें, गरीब आवाम की दुहाई।
डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में एजाजिया तकरीब, नए तैनात कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर नवाज की खिदमात को सराहा गया। बार अहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। जज मोहम्मद अकमल खान ने कहा, मेरिट पर काम करूंगा, जुडिशरी भी मेरिट पर काम करेगी, हमारा मकसद साइलिन की दादरसी करना है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को तारीफी शील्ड से भी नवाजा गया। शहर औलिया में सफाई का होगा मिसाली निजाम, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद इन एक्शन। शहर में सफाई के मिसाली इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक हफ्ते में पूरा क्रिकेट के ढेर और मलबा जात की सफाई का टास्क सौंप दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान को कंपनी की कारकर्दगी की अर्ज खुद निगरानी की हिदायत। मुल्तानियों को साफ पानी और गजा की फराहमी का मिशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर उजमान कैसरानी ने इजलास बुला लिया। जिले इंतजामिया का सेहत सहूलियात के मंसूबों की कड़ी निगरानी का फैसला। महकमा सेहत को स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर का मुकम्मल ट्रेनिंग प्लान तश्कील देने की हिदायत कर दी। बोले, सरकारी स्कूल और अस्पतालों में फ्राहम करदा पानी के नमूना जात के टेस्ट किए जाएंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और मलेशिया की यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहिदा, दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की बाहमी तआवुन का मुआहिदा तय हो गया। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर अथर महमूद का कहना है कि मुआहिदे से मुख्तलिफ शोबों में रिसर्च को फरोग मिलेगा। शुजाबाद में महकमा हेल्थ की जानिब से मिजल और रुबेला की आगाही मुहिम। महकमा सेहत के अमले ने अमला टीचर्स समेत दीगर को आगाही दी। 15 से 27 नवंबर तक महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। 9 माह से 15 साल के तमाम बच्चों को मिजल और रुबेला की वैक्सीनेशन की जाएगी। और रंगों और हुनरमंद हाथों का कमाल, कैनवस पर बिखरे रंगों से लिखी पुरानी आयात का सहर। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आर्ट एग्जीबिशन का तीसरा और आखिरी रोज नौजवान फनकार हाशिर अदरीस की कैलीग्राफी के फन पारों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए।